सचिन यादव और पटवारी आके हमारा मकान तुड़वा दिया, पलट देंगे ऐसे बोले और तुड़वा दिए। हमें इनके बहकावे में आके तोड़ दिया मकान हमने, क्योंकि हम खेती बाड़ी वाले लोग है, हमारा गरीब लोगों का क्या होगा आगे जाके। सरदार सरोवर से संबंधित आपने कई मुद्दे तथा कई समस्याएं सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर एक गंभीर मामला है क्योंकि ग्राम अमलाली के विस्थापितों के साथ धोखा हुआ है। ऐसे कैलाश भाई तथा कैलाश भाई के साथ 27 लोगों को उनके मकानों को जबरदस्ती तुड़वाया गया है, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से आज तक उन्हें प्लाट नहीं दिया गया है। नियम के अनुसार घर तोड़ने से पहले 6 महीने नोटिस देना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ऐसा कोई नोटिस वोटिस नहीं आया साहब, केवल आदेश था हमारे पास कि इस तारीख तक जुलाई 31 तक से पहले पहले नियम का जो पालन करेगा तोड़ देगा तो जो भी है उसके पहले पहले मतलब अलाउंस हुआ था उनको, चलो यार गवर्नमेंट का नियम है अपन तोड़ दो भाई। उस कारण हमने जल्दीबाजी में जो भी शासन द्वारा जो भी ट्रैक्टर लगी तो हमने तोड़ दी इनके भावकाव में आके। तो अभी आप यहाँ से सामान ले जाए कहाँ पर शिफ्ट किया आपने? हमको प्लाट दिया था वहाँ डाल दिया है तो उन्होंने दूसरे को प्लाट दे दिया। आपको पहले प्लाट दिया था? हाँ। तो अभी वो क्या बोल रहा है वो प्लाट पे? प्लाट पे दूसरे को सामान डलवा दिया ना, 30-60 का प्लाट दिया था तो एक बार दिया तो वहाँ से हमको सामान उठवाया और दूसरे में डलवाया, दूसरे प्लाट में, तो वहाँ भी दूसरे को डलवा दिया और अब बोल दिया कि अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मौखिक रूप से घर प्लाट बताया गया जिस पर अन्य व्यक्ति का पहले से कब्जा था, उसके बाद प्रशासन तथा अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ दिया तथा कैलाश को घर प्लाट देने से स्पष्ट मना कर दिया। इस प्रकार से अधिकारियों विस्थापितों के साथ अपना अन्यायपूर्ण तरीके से लोगों को गुमराह कर उन्हें जबरदस्ती हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए जो बसावट बनाई गई वो बसावट कैसी है? ये यहाँ की बसावट तो सब गड्ढे में है, कहीं रहने लायक नहीं है। अभी वो यहाँ के जो किसान मजदूर वर्गों को जो मानकर लोगों को बसाया है तो वो करवट में बांध दिया, थोड़े गड्ढे में आ गए, कोई अपने अपने निजी जमीन में चले गए। हमारा जो भी किसान वर्ग है हमारे पास बैल भी रहता है, भैंस भी रहती है, गाय भी रहती है, बकरियाँ भी रहती है। इस कंडीशन में अभी यहाँ हमारा खुद का घर बनाना है कि इन मवेशियों की मतलब उनकी व्यवस्था करें। मैं चाहता हूं कि अमलाली के विस्थापितों को पहले उनको बसावट में पूर्ण संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर वहां से उनको हटाया जाए जिससे कि वह अपना जीवन यापन व्यवस्थित कर सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी हमारी मदद कर सके। बड़वानी जिले के कलेक्टर श्री तेजस्वी नायक जिनका मोबाइल नंबर है 9165471777 पर कॉल कर दबाव बनाए जिससे कि विस्थापितों को अन्यायपूर्ण तरीके से न हटाकर उन्हें संपूर्ण मूलभूत सुविधाओं के साथ बसाया जाए। मैं पवन सोलंकी, ग्राम अमलाली, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।